ये देवेंद्र फडणवीस का हार बकवास बंद करो, अपनी जबान को गगाम दो। असल में राष्ट्रवादी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, समाजवादी वाले ऐसे हिजड़े हैं, वो बोलते हम बच्चा इस बात से पैदा। कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी बीजेपी की नहीं, आरएसएस का छोटा एडिशन है। छोटा छोटा विचार कहता ना तो छोटा विचार है। मुसलमानों को पाकिस्तानी के नाम पर डराने का काम करते और फिर अडवाणी जी जाकर जीरा की खबर पर माथा टेक कर आते, ये भी हकीकत है। अजीजा ने गिरामी, आजकल जो हालात चल रहे हैं वो कैसे हालात है? हालात ऐसे हैं, अगर किसी बच्चे ने टीपू सुल्तान की फोटो स्टेटस पे डाल दिया तो उस पर गुनाह नोंद होता है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल संविधान है, जो पार्लियामेंट में मौजूद है, उसमें हिंदुस्तान की जंग आजादी में जो बेहतरीन शख्सियतें हैं उनके फोटोज हैं, उस पर टीपू सुल्तान की फोटो भी है। कभी आपको वक्त मिले तो पार्लियामेंट हाउस में जाकर लाइब्रेरी में फोटो देखिए। मैं इन फिरका पोस्टों से कहना चाहता हूं, अगर तुम में दम है तो उस टीपू सुल्तान की फोटो को दस्तों में से हटाकर बताओ। अभी बीच बीच में औरंगजेब के नाम पे भी बहुत पेट दुखना शुरू हो गया। भाई औरंगजेब एक बादशाह था, मगर इस राज्य के जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, एक भाषण मैंने सुना उनका, औरंगजेब की औगात अवेशी, वहां क्यों गया था। मैं इस मंच से आपको गवाह रखकर कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब, बकवास बंद करो, अपनी जबान को गगाम दो, होश में आओ। तुमको ये कहने का कोई हक नहीं भाई। कभी कभी आप लोग भी तारीख पढ़ लिया करो। 2016 में नरेंद्र मोदी ने रंगून में बहादुर शाह जफर की खबर पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री के हैसियत से न सिर्फ अपना माथा टेका था बल्कि फू भी जाए। बहादुर शाह जफर औरंगजेब का कौन था? बहादुर शाह जफर औरंगजेब का पर पोता था। हमको तो औरंगजेब की औलाद बोले, तुम्हारा जो माई बाप है ना, जिसके तुम अंधे भक्त है, वो जाके बहादुर शाह जफर की खबर पर श्रद्धा करना, बगा ये तो भाजपा का मिजाज है। मुसलमानों को पाकिस्तानी के नाम पर डराने का काम करते और फिर अडवाणी जी जाकर जीरा की खबर पर माथा टेक कर आते, ये भी हकीकत है। भाई हमको बोलते कुछ और बात, नवाज शरीफ के साथ में बिरयानी कौन खाया था? बिन बुलाए मेहमान पाकिस्तान नरेंद्र मोदी क्यों गए थे? वहां जाकर क्यों मुलाकात किए? बघा, आपको परेशान करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए, आपको देश से वापस करके हटाने के लिए। और अभी बात हो गई थी बी टीम, किसकी बी टीम और कौन बी टीम? मेरा तो मानना है कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी बीजेपी की नहीं, आरएसएस का छोटा एडिशन है। छोटा छोटा विचार कहता ना तो छोटा विचार है, और बीजेपी बड़ा एडिशन। अब देखो ना इनकी मोहब्बत कैसी थी। 1952 में पंडित नेहरू ने कैबिनेट बनाई,
उस वक्त बीजेपी का नाम था जनसंघ, जनसंघ का अध्यक्ष कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कैबिनेट में आने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना या राज्यसभा का मेंबर होना, वो दोनों जगह का नहीं था, फिर भी इसके लिए स्पेशल मंत्री पद बनाकर कश्मीर का मंत्री बनाए। तो पंडित नेहरू को इतनी मोहब्बत थी जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कि उन्होंने उसको कश्मीर का जिम्मेदार बनाया। फिर दूसरी खबर सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नई दिल्ली में नरसिम्हा राव मेमोरियल ट्रस्ट बनाकर बहुत बड़ा काम किया। क्यों किया? कि नरसिम्हा राव तो उनका चमचा था ना, उस रवीश दयूस बददयालत आदमी ने बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार था, उसको सरफराजने का काम किया। आपने वो भी देखा होगा कि कांग्रेस का सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आरएसएस के ऑफिस जाता है। तो दोस्तों और साथियों, अगर तुम राष्ट्रवादी वालों की, कांग्रेस वालों की या समाजवादी वालों का पत्र निकालेंगे ना, अंदर आरएसएस की चट्टी दिखेंगी। और हमको बी टीम कहने वालों से मैं कहना चाहता हूं, अभी वो विदुली मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, पवार साहब कोई भी कोई बात बोलते बी टीम, अगर हम बी टीम है तो 2014 में महाराष्ट्र में तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम ने पार्लियामेंट की एक भी सीट नहीं ली, असद साहब का एक भी जलसा नहीं हुआ, फिर तुम्हारा सुपड़ा क्यों साफ हो गया? असल में राष्ट्रवादी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, समाजवादी वाले ऐसे हिजड़े हैं, वो बोलते हम बच्चा इस बात से पैदा। 2014 में असेंबली में कितने सीट खड़े किया? 24। अरे 288 में 24 को गिनती में, जो 2019 हमने पार्लियामेंट की एक ही सीट लड़ी और फिर वो सीट हम जीते। तो 47 सीटों पे तुम क्या नाकाम क्यों हो गए? तुम बी टीम कहां से आई? हमने तुम्हारे कौन से वोट काटे? इनमें दम नहीं है, अगर इनके घर में गाय ने दूध नहीं दी, मुर्गे ने अंडा नहीं दिया, उसके जिम्मेदार वो असदुद्दीन अवैसी साहब को ठहराते। अब इसके आगे की बात नहीं बोल सकता मैं, इसके आगे की बात नहीं बोल सकता मैं, आप समझदार भी हैं, हमारे सभी भाव भी समझ रहे हैं बात को, बना जो भी। तो अजीजा ने किया, मैं आपके बीच ये कहने वाला हूं कि आपको हमको बहकाने की कोशिश की जाए। एक और बात, आपकी तादाद कितनी है, आपकी मेजोरिटी क्या है, आप कैसा सुन के आएंगे? आप मेहनत कीजिए, अपनी ताकत बनाइए, इत्तेहाद कायम कीजिए। जब आपकी ताकत बनेगी तो दूसरी कौमें भी जो जुल्म का शिकार है, जो ऑपरेशन का शिकार है, वो आपके साथ पे आए, क्योंकि आप में ताकत होगी तो आप अपनी ताकत देखकर लोग आपके पास आए। देखिए, औरंगाबाद की सीट जो पार्लियामेंट की थी, 20 साल के एमपी को हमने हराया, हमने सोशल इंजीनियरिंग की, हमने वंचित के प्रकाश अंबेडकर से माहिदा किया और वो सीट जीती, दलित समाज ने हमारा साथ दिया, बदकिस्मती से वो इत्तेहाद आगे कायम नहीं रहा, इंशाल्लाह इत्तेफाक आएगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मगर एक बात और सुन लीजिए, बीच में अमरावती में असद साहब की सभा हुई, मैं सभा में गया था, वहां के अवाम ने एक वाकया सुनाया कि वहां की जो मोहतरमा है,
आप जानते होंगे नवनीत कौर नाम है वो। मोहतरमा ने पार्लियामेंट का चुनाव अमरावती से अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा और ये कहा कि मैं बीजेपी को हराने के लिए मैदान में आई हूं। राष्ट्रवादी पार्टी ने साथ दिया, पुराने ने साथ दिया, पुराने ने साथ दिया। हमारे मुस्लिम नौजवानों ने, मुस्लिम अइमाए मसाजिद ने, उमाए कलाम ने, मदरसों दीनी दरसगाहों के जिम्मेदारों ने पूरी ताकत से उसकी मदद की। फिर मोहतरमा चुनकर आ गई। चुन के आने के बाद सत्यनारायण का पाठ करने उद्धव ठाकरे के मकान पहुंच गए। चुन के आने के बाद नरेंद्र मोदी देश का बहुत बड़ा नेता पार्लियामेंट में कहने लगे और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। तो बात क्या हुई, आपने कांग्रेस पे भरोसा किया, आपने राष्ट्रवादी पार्टी पे भरोसा किया, आपने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जिन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ, और इन सब ने धोखा दिया।